इम्पॉर्टेंट है उतना ही बीफ इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चों को मुझे भी ज़्यादा चिकन पसंद है, बीफ नहीं पसंद। तो आज इस रेसिपी में मुझे लगता है कि शेफ इसरार हम सब की टेस्ट बड्स को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि शायद ये रेसिपी बहुत मज़े की और बीफ के बहुत मज़ेदार भी फॉर्म्स होती हैं। उसमें शामी कबाब भी शामिल होता है, जो मुझे लगता है सब लोगों का फेवरेट है, और वो एक लंच टाइम स्नैक भी हो सकता है और कोई डे टाइम स्नैक भी हो सकता है। और बीफ में और क्या है, उसमें कीमा भी है, कीमा भी बहुत लोग खाते हैं, और इसमें बीफ कबाब खाते हैं, और बहुत से लोग स्टेक भी खाते हैं, और बारबेक्यू जैसे शेफ इसरार ने कहा। तो अब शेफ इसरार इसको अच्छे तरीके से फ्लैट कर देना है, हाँ ऐड कर देना है, और इसको इस तरह से अब इसकी साइडें जो है हमने अच्छे से साफ कर देंगे। और आपको पता है हमारी ट्रेडिशनल डिश क्या है? क्या है? निहारी। yes. जिसमें बीफ शामिल होता है। हाँ। तो अगर आपको निहारी पसंद है तो आपको बीफ पसंद ही होगा, क्योंकि बीफ बहुत टेंडर होता है, और अगर आप उसको ठीक तरीके से पकाएं तो ये बहुत मज़े का हो सकता है। ओके, इसको हमने साइड पे कर दिया, ठीक है, ये रेडी है हमारा। तो ये एक्सेस पार्ट। अब हाँ, अब हमने क्या करना है, वेजिटेबल्स को ठीक है छोटा छोटा काटना है। मैं भी आपकी हेल्प करूँ? हाँ आप कर सकती हो, आप बीन्स काट लो। तो ये है बीन्स, ये कर लेता हूँ, ठीक है। शेफ इसरार आप हमें बताएं बीन्स के बेनिफिट्स क्या हैं। बीन्स आपको पता है ये आपकी जो हेल्थ के लिए, स्पेशली आपकी स्किन वगैरह के लिए, और बहुत अच्छे हैं इस आपकी ग्रोथ के लिए। इनके लिए बीन्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी बहुत अच्छे हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को स्पेशली कंट्रोल करने के लिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो बीन्स हमें अपनी डेली डाइट में मौजूद करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। आपको बीन्स अच्छी लगती हैं? मुझे बीन्स अच्छे लगते हैं। ओह अच्छा, थिन थिन। यस अच्छा, इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, ठीक है। बीफ की लाइट सी हम मैरिनेशन करके रख देते हैं। मैरिनेशन हाँ। बहुत जरूरी हाँ। है फ्लेवर के लिए। उसके लिए हम बाउल में पहले मैरिनेशन करते हैं, फिर हम वेजिटेबल्स काट लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने एक बाउल लेना है, जस्ट सिंपल सी मैरिनेशन है इसकी। जस्ट हम जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लेंगे, ठीक है। कितने टेबल स्पून? टू टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और 1 टीस्पून जस्ट ब्लैक पेपर। और अगर आपको ब्लैक पेपर थोड़ा चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा करना है आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली, और आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं रेड चिली पाउडर कर तो सकते हैं, लेकिन रेड चिली इतनी अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए, इसलिए ब्लैक।
आप इसका टेस्ट लें, इसका सॉल्ट हाफ टी स्पून। ठीक है, तो ये है हमारे पास सॉल्ट और हम लोगों ने इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डालना है। ये काफ़ी है? हाँ, ठीक है, है। तो हम लोगों ने डालना है ताकि इसमें और टेस्ट जितना आप खा सकें। अगर डॉक्टर ने आपको सॉल्ट मना किया हुआ है तो आप ऑफ कोर्स ना डालें, लेकिन अगर आपने डालना है फिर फ्लेवर तो आप ज़रूर डालें। तो अब हम लोगों ने डालना है, हाफ हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर टेस्ट के लिए, है ना। इसमें कुछ लोग सोया सॉस भी डाल लेते हैं। सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती है ना। लाइट, जितनी लाइट स्पाइसेस रखेंगे वो आपकी हेल्थ के लिए उतने अच्छे होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाएं तो आप वो आपके हेल्थ के लिए और आपके ओवरऑल स्टमक के लिए नहीं अच्छी होती। अब हम अपने कटिंग बोर्ड को साफ करेंगे। ठीक है, टिश्यू से साफ, टिश्यू के साथ। तो इसको हम लोग कितनी देर सोते हैं उन्हें देंगे? बस थोड़ी देर, अच्छे से इसकी हो जाए 40 to 50 seconds, एक मिनट तक। ठीक है, एक से डेढ़ मिनट तक। ठीक है, सो 1 या 1.5 मिनट तक हम लोगों ने इसको सोते होना होने देना है। लेकिन हम लोग इसको सोते क्यों करते हैं? क्योंकि अभी इसको हम रोल बनाएंगे ना बीफ का, तो इसको उसके अंदर स्टफ करेंगे, उसके अंदर इसको इसमें डाल के ना बीफ के स्लाइस जो हमने किया काटा था। तो अब मैं ठीक है, तो अब ये है हमारा पैन और अब इसमें हम इसको आग जलाएंगे। ऑलिव ऑयल इसमें ऐड कर दें। ठीक है, ये काफ़ी है या टीस्पून डालूं? 3 टीस्पून डालें। ठीक है, तो ये है ऑलिव ऑयल और हम लोगों ने डालना है 3 टीस्पून ऑलिव ऑयल। एक और डाल, हाँ डाल दें, दो और डाल दें, ये मेरे ख्याल में कम है क्योंकि पैन आज हमारा बड़ा है इसका। तो आपके पैन के मुताबिक आपका ऑयल इसमें ना इस तरह से लग जाए। तो 5 टीस्पून आप लोगों ने ऑलिव ऑयल डाला है या कोई और ऑयल जो आपके पास मौजूद हो। तो अच्छे तरीके से आपने मीडियम फ्लेम पे ताकि आपका ऑयल गरम हो जाए, गरम हो जाए और फिर हम इसमें बीफ रखेंगे। ठीक है, ऊपर से क्लोज कर देंगे इसको, ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए लाइट फ्लेम पे, ओ ताकि वो थोड़ा पक जाए। बिल्कुल, जैसे हम लोग इसका स्टीम कर रहे हैं। यस, जब भी आप कुछ बनाएं फ्राइंग के लिए तो आप ऑयल को 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स के लिए गर्म होने दें। तो अब हम लोग डालेंगे अपना बीफ रोल, इतनी सिजलिंग हो रही है। बीफ रोल डालेंगे और तरह से इसको ताकि ऑयल में हम इसको मिक्स कर देंगे। हम इसको बटर में भी पका सकते हैं, बटर में भी पका सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा और फैटी हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऑलिव ऑयल इज बेस्ट। ऑलिव ऑयल इज बेस्ट, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी, उसको सरसों का तेल भी कहते हैं। यस, चलें अब हमारे बीफ वेजिटेबल रोल अभी पक रहा है तो हम लोग अभी ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद ये तैयार हुआ होगा।
अब हमारा रोल तैयार हो गया है, तो अब हर खाने के साथ तो ड्रिंक तो मस्त है। अब शेफ इसरार, हम कौन सी ड्रिंक बनाएंगे? हम बनाएंगे खजूर शेक। खजूर शेक, तो मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्दी और मज़ेदार होगा। तो चले अब हम लोग ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम लोगों ने अपना मील तो बना लिया है, लेकिन हर मील के साथ तो ड्रिंक जरूरी होती है। तो शेफ इसरार, हम लोग आज कौन सा शेक बनाना चाह रहे हैं? खजूर शेक बना रहे हैं। खजूर शेक, यस। तो अब उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, खजूर, आइस ऑप्शनल, अगर आपको आइस नहीं भी पीनी तो कोई बात नहीं, और ये है मिल्क क्रीम। लोग क्रीम घर में भी बना सकते हैं, और ऑप्शनल शुगर है, शक्कर जिसे बोलते हैं ब्राउन शुगर, वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसको सीडलेस कर देंगे। तो अब हम लोग इसमें खजूर डालेंगे। खजूर डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी मिल्क क्रीम। मिल्क क्रीम, इसमें शुगर कितनी डाल दूं? मुझे लगता है 1 टेबल स्पून से शुगर होती है, तो आप ज़्यादा डेट डाल सकते हैं। और अगर आप जिम जा रहे हैं तो ये भी आप खजूर शेक मॉर्निंग में पी सकते हैं, जो मेरे बाबा को बहुत पसंद है। और इसमें अल्टरनेटिव चीज़ें हम लोग क्या डाल सकते हैं इसमें? इसके अलावा हम खजूर में कोई, अगर हमने इसको फ्लेवर देना है, हम इसमें कोई एसन भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे वनीला एसन है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऑलमंड्स, वॉलनट्स। हाँ, अब हम लोगों ने शेफ इसरार के साथ सारी डिशेस बना ली हैं, तो मेरे दोस्त हसनैन के साथ हम बनाएंगे रशियन सैलेड। हेलो। हेलो। तो हम लोग आज क्या बना रहे हैं? हम आज बहुत ही हेल्दी ट्रीट बना रहे हैं, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और उसका नाम है रशियन सैलेड। रशियन सैलेड। तो पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करें? पहले हम एक बाउल लेंगे, ठीक है, और बोल, और उसके अंदर हम हाफ कप क्रीम डालेंगे। अच्छा। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्रीम डालेंगे। ये होगी हमारी क्रीम, और अब हम डालेंगे इसमें मेयोनीज। मेयोनीज, ठीक है, ये अब इसमें डाल दी हमने मेयोनीज। अब हमें इसमें डालनी है 1 हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर। तो ये रशियन सैलेड बनाने के लिए पहले हमें क्रीम चाहिए, मेयोनीज चाहिए, फिर हमें ब्लैक पेपर चाहिए। वाइट पेपर डाल दी, और अब हमें चाहिए ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा क्रीम और मेयोनीज डाल रहे हैं तो आप फुल टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे सिर्फ एक पिंच सॉल्ट की। एक पिंच सॉल्ट, ये सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए होता है। जो लोग सॉल्ट नहीं खाते वो इसको नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम ऑप्शनल है। हाँ, अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ कप पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर, ठीक है। अब हम विस्कर से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। विस्कर ये वाला। अब हम इसको साइड पे रखेंगे, ठीक है,
और अब हम लेंगे एक बोल और इसमें डालेंगे हम सारे फ्रूट्स। सबसे पहले हम डालेंगे एप्पल, हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप एप्पल। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पीच, और पीच बहुत हेल्दी होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे बनानास। बनाना एक है ये या दो? ये 1 बनाना है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बॉइल्ड कैरेट्स। अब हमने इसके अंदर डालने ही पीस। हमने बॉइल नहीं किया, अगर आप बॉइल करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन हमने इनको बॉइल नहीं किया। ये हमने डाल दिए पीस। अब एलमंड्स। यस एलमंड्स, यस हम थोड़े से इसमें एलमंड्स डाल देंगे। आप इनको पानी में रख के इनको पील ऑफ भी कर सकते हैं। यस, और अब हम इसके अंदर डालेंगे रेजिन्स। इसको किशमिश भी कहते हैं। यस, ये हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे पाइनएप्पल, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है रशियन सलाद का, वो होता है पाइनएप्पल। ये वॉलनट्स पकड़ा दें। ये है अब हमारे पास वॉलनट्स, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यस, ओके, अब हमारे फ्रूट सारे हो चुके हैं, तो प्लीज अब आप हमें मुझे वो क्रीम पकड़ाएं। ठीक है, ये है हमारी रशियन सलाद की क्रीम और वो विस्कर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो क्रीम है उसको फ्रूट्स के अंदर। ठीक है,